सर कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा ऑन ऑन लाइव। क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, भद्रवाह है, कुछ भी हो सकता है। सर कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर, ऑन ऑन वो लाइव। शो के यहाँ से वापस जा रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये तस्वीरें। सर कैमरा मुझे बंद कर, कैमरा बंद कर, कैमरा ऑन ऑन वो लाइव। कि पुलिस कर्मियों ने हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर रोकी, हमारा कैमरा जो है यहाँ पर छीना और बातचीत डंडा पहुंचे। हम कर रहे हैं भद्रवाह को, हम भद्रवाह को बदनाम नहीं कर रहे, हमारा मकसद भद्रवाह को बदनाम करने का नहीं, हमारा मकसद जो है दिखाने का ये है कि यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ भद्रवाह को देखे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूँ सुलेंदर परिहार और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट, दारबन रिपोर्ट। और अभी हम जो है भद्रवाह में आए थे, भद्रवाह में अस्किनी भद्रकाशी जो है उत्सव जो है चलाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिसमें बताया जा रहा है कि टूरिस्ट जो है बहुत दूर दूर से आ रहे थे, और डोडा से भी यहाँ पर जो है कुछ टूरिस्ट आए थे, और यहाँ पर जो है वो गुल्ली डंडा में आज प्रोग्राम था। सुबह इन्विटेशन जो है मीडिया को भी दिया जाता है कि आप जो है गुल्ली डंडा की ओर आए जाए, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट को रोका जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है गुल्ली डंडा, और यहाँ पर पुलिस रोक रही और बता रही कि यहाँ से जो आप पैदल जाइए। आप मुझे बताओ कहाँ से आए आप? भद्रवाह से आए। तो इधर से कितना दूर है गुल्ली डंडा? गुल्ली डंडा पता नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, आपके गुल्ली डंडा पहुँच सकते हो? अब छोड़ेंगे तो पहुँचेंगे जरूर। नहीं, यहाँ से पैदल, क्योंकि गाड़ी तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे किसी की भी जाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? जब छोड़ेंगे तब चले जाएंगे गाड़ी में। नहीं, गाड़ी ही जाने नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसे बंदूक जाने देते हो आप? बंदों को पैदल जाने देते, 30 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आप फिर अंधेरा भी हो जाएगा। ये गाड़ी किसकी आ रही है ऊपर से? ये ऊपर से शायद से कुछ स्पेशल लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। स्पेशल लोग तो बाकी भी तो लोग ही हैं, बाकी भी तो लोग ही ये देख सकते हैं। अगर उनको छोड़ रहे फिर हमें भी तो छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए कुछ गाड़ियों को जो है पुलिस यहाँ पर छोड़ रही है कि यहाँ पर जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है डेस्टिनी, जहाँ पर जो है जाना है, जहाँ पर प्रोग्राम है, जहाँ पर मैराथन है, लेकिन यहाँ पर लोगों को जो टूरिस्ट है जो जाना चाहते हैं उस और उनको जो है जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए एक गाड़ी भी यहाँ पर आएगी और बाकी गाड़ियाँ देखिए देख सकते हैं आप जा रही है, कुछ स्पेशल गाड़ी है। ये देखिए यहाँ के लोकल को भी जाने नहीं दिया जा रहा, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर घर है। कहाँ पर घर है आप? ये मेरा गाड़ी सामने, तो आपको जाने नहीं, क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुझे क्या पता, इनको पूछो ना। आप आ जाओ वहाँ, बात देख सकते हैं कि साहब से बात करिए और साहब जो है यहाँ से पैदल भेजेंगे 30 किलोमीटर दूर, और 30 किलोमीटर दूर यहाँ से आप जाएंगे और उसके बाद जो है आप डेस्टिनी तक पहुँचेंगे। ये पुलिस का कहना, और पुलिस का ये कहना कि आप ऑर्डर को जो है फॉलो कर रहे हैं, और वो ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने निकाला है। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने ये ऑर्डर निकाला है कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको जो है जाना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है यहीं पर रोके जा रही है, बाइक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी टूरिस्ट की बाइक्स यहाँ पर रोकी है, और जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं वो कुछ ही दूर यहाँ से 4 किलोमीटर तक जो है पैदल जाते हैं, 5 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वापस जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वापस जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है जहाँ पर जो है प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने नाका लगाया और यहाँ से पैदल जाने की बात जो है वो की जा रही है। हम भी यहाँ पर आए थे और हमारी भी यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी गई, हम भी यहाँ से पैदल गए, लेकिन जब पैदल गए तो आधे रास्ते में पता चला कि यहाँ से बहुत दूर है, और अगर हम वहाँ तक पैदल पहुँचेंगे तो रात हो जाएगी, तो रात हो जाएगी तो हमारा जाने का काम वहाँ पर क्या है। तो देख सकते हैं पुलिस कर्मी यहाँ पर है, पुलिस की गाड़ियां वहां पर आ रही, पुलिस की गाड़ियां, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां यहां से जा रही हैं, और कुछ स्पेशल लोग यहां से जा रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों को 30 किलोमीटर दूर जो है उतारा जा रहा है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर टूरिस्ट को उतारी किस तरीके से, क्या इसी तरीके से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और दिखाएंगे और फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो है सही तरीके से जो है दिखाया नहीं जाता है। और हम साहब को भी दिखाएंगे और जो है उनसे भी बातचीत करेंगे, देख सकते हैं कि चलिए उनसे बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या यहाँ पर जो है 30 किलोमीटर दूर है डेस्टिनी यहाँ से, और यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है साहब है उनसे बात करेंगे। आइए आप कैमरा जो है कैमरा लेके आइए, बात करेंगे। सर कैमरा मुझे बंद कर, कैमरा बंद कर, ऑन ऑन वो लाइव।
तो गुल्ली डंडा की ओर जो है लोग जा रहे थे, आपने देखा कि पुलिस कर्मियों ने हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर रोकी, हमारा कैमरा जो है यहाँ पर छीना और बातचीत की, उसमें कहा कि सुबह का टाइम था, आप अभी क्यों जा रहे। तो हमने कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है अभी जाना चाहते हैं, तो क्या उनको मतलब इंडिपेंडेंट देश में जो है रोकेंगे, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर रोकेंगे और कहेंगे कि आप 40 किलोमीटर पैदल चल के जाइए, और वो 40 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे तो क्या वो डेस्टिनी तक, उस जगह तक पहुँचेंगे। बोला कि यहाँ पर जो है कोई भी नहीं जा सकता, इस जगह पर हमने रोका है, और यहाँ से कुछ बाहर के टूरिस्ट भी आए उनसे भी बात करेंगे। और इसी जगह पे देख सकते हैं अभी जब हंगामा हुआ, जब बातें हुई, तो यहाँ से जो है अभी पुलिस कर्मी जो है वो सभी चले गए हैं, हमारा कैमरा छीना और हमारी रिकॉर्डिंग जो है रोकी, और उसके बाद कहा कि अभी आप जाना चाहते हो जाओ, जाके कवर करो। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर से भी लोग आए थे, इनको क्या जाने दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है। कहाँ से आप? जम्मू से। जम्मू कौन सी जगह? जम्मू से हम सतवारी से। आप सतवारी से भद्रवाह आए थे, किसके लिए आए थे? गुल्ली डंडा के लिए। गुल्ली डंडा के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप गुल्ली डंडा पहुँचे? नहीं, इन्होंने जाना नहीं दिया, कहते कि अभी कोई मूवमेंट है, पता नहीं क्या है, कोई ऊपर गए हैं साइकिलिंग के लिए, तो आप नहीं जा पाओगे। तो आपने मतलब साइकिलिंग देखनी थी, घूमना था, क्या करना? घूमना ही था। घूमना था, तो यहाँ पे नहीं जाने दिया, तो क्या आप पैदल, बोला यहाँ से रास्ता है पैदल जाओ, ऐसा कुछ बोला? कहते इधर ही रुक जाओ, आप ऊपर नहीं जाओगे। ऊपर नहीं जाओगे। तो अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताइए। उसके बाद कुछ नहीं, इधर पुलिस वाले खड़े थे, फिर हम उधर चल गए साइड पे, फिर उसके बाद घर जा रहे हैं बस। अभी घर जा रहे हैं? हाँ। अभी जम्मू वापस जाइए। जी जी। तो देख सकते हैं कि जम्मू से जो है टूरिस्ट आए हुए हैं और ये निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने इसीलिए जो है ये फेस्टिवल यहाँ पर लगाया था? और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। वो भी अपनी गाड़ियाँ लेकर, अपने बुलेट्स लेकर यहाँ पर आए थे। क्या नाम है आपका? अकमल मलिक। क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, भद्रवाह है, कुछ भी हो सकता है। नहीं मतलब भद्रवाह है, अच्छी प्लेस है, ऐसा नहीं है, अच्छी प्लेस है, खूबसूरत। घूमने के लिए आए हुए थे, जम्मू से आए हुए थे, कहीं से भी लोग आ सकते हैं, ये तो रोकना गलत बात है ना। अब मानते हैं हम कि कोई भी फेस्टिवल था यहाँ पे, तो ऐसे रोकना तो गलत बात ही है, क्योंकि बाकी लोग भी, आज संडे था कि बाकी लोग भी बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आए थे, तो रोकना गलत बात है। क्योंकि अभी अभी जाने के लिए बोला, जब यहाँ पर हंगामा हुआ तब जाने के लिए बोल रहे थे, अभी जाने के लिए दिया भी लोग। अभी तो हम आए थे काफी टाइम से, हम फिर यहीं पे स्नो वगैरह देखने के लिए आए थे, तो फिर यहीं पे रुक गए, हम फोटो वगैरह ले ली, तो वापिस जा रहे हैं। देख सकते हैं कि निराश होके यहाँ से वापिस जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, और ऐसा नहीं है कि लोग ये कहेंगे अब कि हम बदनाम कर रहे हैं भद्रवाह को, हम भद्रवाह को बदनाम नहीं कर रहे, हमारा मकसद भद्रवाह को बदनाम करने का नहीं, हमारा मकसद जो है दिखाने का ये है कि यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ भद्रवाह को देखें, और भद्रवाह को देखने नहीं दिया जाएगा तो ये तो गलत बात है। भद्रवाह हमारा है, और भद्रवाह को जितना भी ज़्यादा जो है यहाँ पर टूरिस्ट आए हमें खुशी होगी, हमारा काम है कि दिखाना, लेकिन इस तरीके से अगर आप रोकेंगे, टूरिस्ट को रोकेंगे, बाहर से आए हुए लोगों को रोकेंगे, तो ये तो गलत बात है। टूरिस्ट यहाँ से निराश होकर जो है वापस जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तीसरा दिन था अस्किनी भद्रकाशी उत्सव का, और आज जो है गुल्ली डंडा में प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पर लोगों को, टूरिस्टों को यहीं पर रोका गया, इस पुल से जो है आगे नहीं जाने दिया। लेकिन जब हमने खबर चलाई, तो खबर चलाने के बाद हमें बताया, बाकी लोगों को भी कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा कि अब जाने का क्या ही फ़ायदा, क्योंकि सुबह से तो 11-10 बजे से हमें यहाँ पर रोक रख के रखा है, अब जाने का क्या फ़ायदा। अब सारे के सारे यहाँ से जो है देख सकते कि आप चले गए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे दारबन रिपोर्ट्स। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। दारबन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुरेंद्र परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गाइस, कैसे आप सब? ठीक होंगे? अर्बन रिपोर्ट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुरेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।